हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीना एंड फैमिली। और आज मैं बनाने वाली हूँ तिल, पुदीना और अनारदाने की चटनी। तो मैं इस टाइम अभी हूँ अपने किचन गार्डन में, तो इसके लिए मुझे चाहिए पुदीना। तो आइए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको पुदीना, काफ़ी फ्रेश है पुदीना। तो अब मैं चटनी के लिए इसे थोड़ा सा पुदीना ले लेती हूँ, साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे किचन गार्डन में और क्या क्या है। ये रहा पुदीना, काफ़ी फ्रेश लग रहा है, अच्छा भी है। और ले लेते हैं थोड़ा सा पुदीना चटनी के लिए, जो जितनी मुझे ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा है पुदीना, एकदम फ्रेश। आइए मैं दिखाती हूँ आपको पुदीने के अलावा मेरे किचन गार्डन में और क्या क्या है। आइए देखिए, ये रहा गन्ने का पेड़। और गन्ने के पेड़ के अलावा छोटे छोटे से पौधे हैं, दो तीन पौधे, ये नींबू के भी है, आप देख रहे हैं। और ये दो छोटे छोटे से नींबू भी दिख रहे हैं, काफ़ी नींबू लगे हुए इसमें। वैसे तो आपको दिखाती हूँ ऊपर तक। और ये नींबू के अलावा एक और पौधा भी है, ये देखिए, कुछ लोग पहचानते होंगे इसे, किस चीज़ का पौधा है ये। एक्चुअल में मेहंदी का पौधा है, जिसे हम बालों में लगाते हैं, मेहंदी, वही वाली मेहंदी है। और इसके अलावा किचन गार्डन में है ये अरबी, काफ़ी थोड़ी सी अरबी है। अरबी के अलावा ये थोड़ी बीच बीच में मक्की भी है। और ये मेरा मिर्ची का पौधा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे अभी चटनी के लिए, तो मैं ले लेती हूँ एक मिर्च। मिर्च भी काफ़ी फ्रेश है और देखिए तेज़ लग रही है काफ़ी। हाँ, ये और ये है मेरी छोटी सी कैटी, प्यारी प्यारी कैटी। और देखिए, ये छोटा सा किचन गार्डन है। और अब हम चलेंगे किचन में, जहाँ पे मैं बनाऊँगी अपनी पुदीने की चटनी। मिलते हैं किचन में। और चलिए आ गए हम अपने किचन में और बनाते हैं ये चटनी को। जैसे कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो भी थे चटनी के, वो तैयार करके रख दिए थे। और ये रही तिल, ये मैंने पहले भून ली है थोड़े हल्के से, ब्राउन हो जाए ताकि ये। और ये प्याज, और ये जो मैं हरी मिर्च लाई थी, और ये चार पांच के लिए लहसुन की, और ये रहा पुदीना। और ये मैंने ना थोड़े से अनारदाना ले लिए, क्योंकि ये जैसे तिल और अनारदाना और पुदीने की एक खट्टी मीठी सी चटनी है, उससे ना इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो है इसको ना मिक्सर में जो अच्छे से इसका पाउडर बना लेती हूँ, ताकि ये बारीक सा हो जाए। ये देखती हूँ इसे, ये मेरे अनारदाने का पाउडर जो है वो अच्छा सा बन गया, थोड़ा बारीक सा हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो मैंने तिल रखे हुए थे, जितनी भी ड्राई जो चीज़ें हैं वो इसमें डाल देती हूँ। और जैसे कि ये खट्टी मीठी चटनी है, तो इसमें मैं दो चम्मच जो है ये सॉल्ट के भी यूज़ कर लूँगी, सॉरी चीनी के, थोड़ी सी और चीनी डाल देते हैं। और हल्का सा नमक, नमक थोड़ा हल्का सा ही रखे तो ठीक रहेगा। और फिर से इसका थोड़ा सा पानी, जिसका पाउडर हो चुका है एकदम रेडी। और इसे वाह, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये प्याज, ये लहसुन, और ये हरी मिर्च, ये पुदीना। और ये थोड़ा सा हल्का सा जो है इसमें पानी भी डाल देते हैं।
तो बहुत अच्छी आ रही है। ऑलमोस्ट मेरी चटनी जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हम इसे निकालती हूँ। पुदीने की जो चटनी है ये वाली, इसकी फ़ायदा एक और भी है, पता क्या, कभी जैसे आपका मन नहीं होता है खाना खाने का तो आप बस चटनी बना लो और खा लो, और ये डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी हमारी अच्छी होती है। वाह, इसकी जो खुशबू है तिल और अनारदाने की ना, वो बहुत ही अच्छी सी आ रही है। ये चटनी मेरी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।